नमो बुद्धाय साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर में। आज मैं एक और नए जातक कथा के साथ हाजिर हूँ। साथियों, ये कथा सुनने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथियों, आज का जातक कथा याचना का धम है। बहुत ही खूबसूरत कथा है, अंतिम तक सुने जरूर, और अगर पसंद आया तो लाइक कर शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज का बहुत ही खूबसूरत कथा याचना का धम सुनाते हैं। पांचाल नगर के एक कुलपुत्र ने बड़े होकर तहसीला में सब शिल्प सीखे। अपने आचार्य से आशीर्वाद लेकर वह अपने घर लौट पड़ा, किंतु मार्ग में उनके मन में तपस्वी बनने की इच्छा बलवती होने लगी। वह अपने घर न लौट तपस्वी प्रव्रजा ले हिमालय में जाकर रहने लगा। वहां कई वर्षों तक उसने फल मूल खाकर तापस जीवन बिताया। एक दिन वह नमक खटाई खाने के लिए पांचाल नगर में पहुंचा और वहां राजोद्यान में जाकर ठहर गया। अगले दिन भिक्षाटन के लिए नगर में आया। पांचाल के राजा को उसकी चढ़िया बहुत अच्छी लगी। प्रसन्न होकर राजा ने उसे ऊंचे आसन पर बिठा स्वादिष्ट राजभोजन खिलवाया और उसकी रहने की व्यवस्था राजोद्यान में ही करवा दी। राजा ने उनसे निवेदन किया कि वे रोज राजा के यहाँ भोजन करें। इसके बाद तपस्वी रोज राजा के यहाँ भोजन करने लगा। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया। वर्षावास की समाप्ति पर वह हिमालय लौट जाना चाहता था। तपस्वी वितरागी था, उसकी बहुत कम आवश्यकताएं थी। उसने सोचा, यहाँ से हिमालय जाने के लिए उसके पास एक तले का जूता और पत्तों का बना छाता होना चाहिए। ये दोनों वस्तुएं वह जाने से पहले राजा से मांग लेगा। एक दिन पांचाल राज नगर की परिक्रमा करते हुए अपने उद्यान में पहुंचा। उसने तपस्वी को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। तपस्वी ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है, मैं राजा से जूता और छाता मांगूंगा। तपस्वी संकोची स्वभाव का था, उसे यहाँ मांगना अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, मांगना ठीक नहीं होता है, याचक की दशा याचना करते समय रोने की समान है। यदि देने वाला उसकी याचना को पूरा नहीं करता और मांगने पर नहीं कहता है, उस समय उसकी दशा भी रोने के ही समान हो जाती है। मैं राजा से इस समय जूता और छाता नहीं मांगूंगा। यहाँ उपस्थित लोग उसे और राजा दोनों का रोने की हालत में देखेंगे, यह अच्छा नहीं, कभी एकांत मिलने पर मांग लूंगा। उसने राजा से कहा, महाराज मुझे एकांत चाहिए। पांचाल राज ने जब यह सुना तो उसने वहां उपस्थित सभी राजपुरुषों को वहां से दूर चले जाने के लिए कहा। तपस्वी ने विचार किया, यदि मेरे मांगने पर राजा ने नहीं दिया तो हमारी मैत्री टूट जाएगी, इसलिए नहीं मांगूंगा। उस समय वह अपनी मांग राजा के सम्मुख नहीं रख सका। अति विवेकशील होने के कारण उसने कहा, महाराज आज नहीं, किसी दूसरे अवसर पर आने पर बताऊंगा। फिर एक दिन राजा के उद्यान में आने पर पहले ही की तरह सोच तपस्वी चुप रहा। तपस्वी का विवेक उसे मांगने से रोकता। इस प्रकार धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए, किंतु वह अपने लिए जूता और छाता मांग नहीं सका। राजा ने सोचा, आज तपस्वी मुझसे एकांत चाहते हैं, किंतु परिषद के चले जाने पर भी मौन रहते हैं। इस तरह कुछ कहना चाहने पर भी कुछ कह नहीं पाते। 12 वर्ष बीत गए। तापस जीवन के लिए यह लंबा समय होता है। शायद उनका मन तापस जीवन से भर गया हो, राजभोग भोगने की इच्छा हो, लेकिन संकोच के कारण चुप हो जाते हो। आज मैं उन्हें जो मांगेंगे वह सब कुछ दूंगा। अगले दिन पांचाल राज उद्यान में पहुंचा और प्रणाम करके एक ओर बैठ गया। पूछने पर तपस्वी कुछ नहीं बोला, एकांत होने पर भी वह चुप रहा। राजा ने बोला, भंते 12 वर्ष बीत गए, एकांत मिलने पर भी कुछ नहीं कह सके। मैं
जो मांगोगे सब कुछ दूंगा। यदि राज्य भी मांगोगे वह भी देने को तैयार हूँ, आप निर्भय होकर मांगे। तपस्वी ने महाराजा से कहा, महाराज मैं जो मांगूंगा वह देंगे? राजा ने कहा, भंते दूंगा। तपस्वी ने कहा, महाराज मुझे अपने आश्रम हिमालय जाना है, रास्ते के लिए एक जोड़ा तले वाला जूता और एक पत्तों का बना छाता चाहिए। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, भंते इसे मांगने के लिए 12 वर्ष निकाल दिए, यह भी नहीं मांग सके? तपस्वी ने कहा, महाराजा हाँ। राजा ने कहा, भंते ऐसा क्यों किया आपने? आखिर बहुत हिम्मत करके तपस्वी ने कहा, महाराज जो कोई यह मुझे दो कहकर मांगता है वह रोता है, देने वाला जो कोई कहता है नहीं है वह भी रोता है। यदि मेरे मांगने पर तुम न दो तो हम दोनों का रोना जनता न देखे, इसलिए एकांत चाहता रहा। फिर तपस्वी ने कहा, हे ब्रह्मदत्त राजन, मांगने वाले की दो ही गतियाँ होती है, धन की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति, याचना का यही धम है। हे पंचानेश्वर राजा, मांगना रुदन कहलाता है और जो मांगने पर नहीं देता है वह प्रतिरुदन कहलाता है। पांचाल राज तपस्वी के सो गौरव के भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे बहुत धन संपत्ति देने की घोषणा की, किंतु तपस्वी को और कुछ लेने की इच्छा नहीं थी। उसने केवल एक तले का जूता और पत्तों का बना छाता ही लिया। राजा ने उनसे और ठहरने का आग्रह किया, किंतु तपस्वी ने पंचाल राज के आग्रह को अस्वीकार कर दिया और वे हिमालय के अपने आश्रम में लौट गए। तो यहाँ यह कथा याचना का धम यहाँ समाप्त होता है। साथियों, इस कथा को आप अगर बहुत ही ध्यान से गौर से सुने होंगे तो आपको पता चला होगा कि एक बोधिसत्व इंसान के लिए किसी से भी कुछ मांगना कितना मुश्किल होता है। उन्होंने एक जूते और छाते के लिए पूरे 12 वर्ष निकाल दिए मांगने में। वही अगर नॉर्मल बंदा होता तो किसी भी वस्तु को मांगने में बिल्कुल देर ना ही संकोच करता। उम्मीद है साथियों कि आज का जातक कथा याचना का धम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो जल्द से जल्द इसे शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए जातक कथा के साथ। नमो बुद्धाय।